इसमें जो विटामिन और लवण है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, विटामिन लवण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे लघु पोषक के रूप में कहते हैं। लघु पोषक। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो टोटल जो है जल तक में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है आपके शरीर में, या आपके शरीर की रिक्वायरमेंट भी है, आवश्यकता भी है ना। इसे बोलते हैं गुरु पोषक। चलिए अब आते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। पहला, एक जो कार्बनिक होते हैं और दूसरा जो अकार्बनिक होते हैं। ठीक, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक, यानी ऐसे तत्व जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक, जिसमें कार्बन ना हो उसे अकार्बनिक। अब जिसमें पहले ही एक पॉइंट निकाल देते हैं यहां पे, अकार्बनिक याद रखिए, लवण और क्या हो जाएगा जी, जल। लवण और जल वो क्या है, अकार्बनिक है, बाकी जो शेष बचा वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक, जैसे कि वसा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हो गया, जैसे कि प्रोटीन और विटामिन। ये सभी हो गए आपके कार्बनिक, और ये दो हो गए आपके क्या, कार्बनिक। आवश्यकता के अनुसार यानी शरीर की आवश्यकता के अनुसार हम थोड़ा वर्गीकरण करते हैं। तो शरीर में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लेते हैं हमें शरीर बनाना है तो क्या खाएंगे, वसा खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन। यानी शरीर की वृद्धि या उसकी मरम्मत करने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन। और अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको क्या खाइएगा फिर, वसा। उसी तरह से शरीर में रिक्वायरमेंट होती है, उसको बांट देते हैं ऐसे, टुई टुई टुई, एक और भी बांट देंगे बाद में। हो गया। अगर मान लेते हैं यहां पे हम कहते हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए, यानी ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन कौन सा है, बड़ी एनर्जी आ जाए, ऊर्जा उत्पादक। हो गया। तब यहां पे कहेंगे भैया वसा खाएंगे तो हमारा ऊर्जा मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो ऊर्जा मिलेगा। फिर हम कहते हैं शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम कहेंगे प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा। फिर अगर हम कहें ना ऊर्जा मिले ना वृद्धि मिले, लेकिन शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है उसे कौन नियंत्रित करता है, यानी उसके लिए क्या चाहिए आपको, उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करना, तो क्या खाइएगा, विटामिन। उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है विटामिन, लवण
ऐसे टोई, और एक वो आता है आपका जल। हो गया। एक और हो जाएगा आनुवांशिक। आनुवांशिक हो गया। इसमें भी आपको जरूरत पड़ता है, जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल, खनिज, कुछ खनिज है जो रिक्वायरमेंट आते हैं सब। तो अब बात करते हैं सीधे, कुछ भी बात करेंगे, विटामिन। चलिए हटिए, हमेशा डायग्राम बना के याद किया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। इसे टूई टूई कर लीजिए पहले, टूई। विटामिन की खोज किसने की थी जल्दी बताइए? फंक। नॉर्मली हम लोग फंक जानते हैं, लेकिन सबसे पहली बात करें अगर विटामिन की खोज, तो यहां पे थोड़ा बहुत चेंज है। एक्चुअली बहुत पहले ही विटामिन की खोज की गई थी 1881 में, लिख लीजिए 1881 में खोज की गई थी। और खोज करने वाला कौन था? लूनिन। ठीक है, विटामिन खोज करने वाला यही था। उसके बाद इसके रिसर्च को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया, तो एक आदमी और थे, और इन्होंने एक रिसर्च किया, बेरी बेरी रोग नाम सुने हैं ना, उस पे ये रिसर्च किए थे, इज कमान। अब आता है भाई फंग का नाम कहे आता है, तो फिर इनके रिसर्च को और आगे बढ़ाया गया, और सबसे पहले विटामिन शब्द का, यानी सर्वप्रथम शब्द का उल्लेख इन्होंने ही किया था, इसीलिए एग्जाम में आता है। क्या हो गया? फंग। कब किए थे जी? 1911 में। 1911 में। ठीक, ये आपके विटामिन। अब बार बार कहेंगे, जैसे हम लोग वहां लिख रहे थे तो वैसे फिर से लिखेंगे कि कार्य कोची कोची है, या विटामिन कोची है। तो हमने तो साफ कहा था भैया विटामिन जो है एक क्या है, कार्बनिक। कार्बनिक क्या पदार्थ है या यौगिक है? यौगिक है। जब दो तत्व अगर संतुलित मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक। एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक, फिर यहां पे और सवाल उठता है, कह रहे भाई कार्य क्या है? कार्य कार्य क्या है? तो बार बार चिक चिक भी लिखे आप लोग, उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। फिर विटामिन का नाम रखा गया, जैसे एक विटामिन खोज हुआ विटामिन ए, है ना, विटामिन ए। विटामिन सी बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने सारे विटामिन हैं। कहीं कहीं किताबों में आपको पी भी मिलता है और कहीं कहीं किताबों में एच भी मिलता है, लेकिन यहां बी बहुत ज्यादा है, बी कॉम्प्लेक्स करते हैं, यानी बी का एक समूह है ना। तो पहला बात करें, अगर इनकी खोज की बात करें, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन बी, इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो मैकुलन। ठीक ना, इसकी दोनों की खोज करने वाले थे मैकुलन। विटामिन सी,
सी की खोज करने वाले कौन थे? होल्टकर। विटामिन सी की खोज करने वाले होल्टकर। और विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस। और ई और के का नहीं पता है इसलिए हमने लिखवा रहा। ठीक ना, यानी विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, डी, ई, के। अब इसी के बारे में पढ़ना होता है तो आगे आते हैं तो थोड़ा सा एक और पेज लेते हैं, लिख लिया आप लोग? चलिए, तो अब कहते हैं विटामिन को घुला जाता है तो घुलनशीलता के आधार पर, शीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण करेंगे हम, ऐसे टुई और टुई। चलिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण। पहला यहां लिख लीजिए जल, ऐसे टुई, और यहां लिख लीजिए वसा। यानी कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुलते हैं और कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। हो गया, तो हम एक ही बात करते हैं। जैसे देखो आजकल ना मतलब तेज तरार आदमी बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे जुगाड़ू आदमी या झूठ बोले वाला आदमी, उनसे कुछ भी बोल दो बोला हो जाएगा, हो जाएगा। बाद में ना उसी गवा में बोला ना यार फलनवा आदमी बोला ना कि हो जाएगा, तो बोला अरे ओकरा चक्कर मत फंसो, एक नंबर का बीसी है ना, बोलता आदमी क्या है बीसी है, ओकरा तो मन करता है ना कि उठावे गंगा जी में फेंक दे ये बीसी आदमी को। तो किस में फेंक रहा है? जल में। यहां देखिए जल में फेंक रहा है तो हम यहाँ पे बीसी कर देते हैं, लेकिन अगर जल को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो डब्ल्यू हो जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी करते हैं तो आपको पता होगा रक्त दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो खाली आप डब्ल्यूबीसी याद रखिए, द से वाटर, मतलब डब्ल्यू से वाटर और वाटर में बीसी, बाकी का याद नहीं करना है। बाकी इधर क्या याद करेंगे हम, जब हमको बीसी पता चल चुका है तो हम क्या याद करेंगे? ए, डी, ई और के, बस। बात समझ में आ रहा है ना? देखिएगा जो बीसी लोग होते हैं ना वो बहुत मीठा बतियाते हैं जैसा लगता है कुछ ना, आज जो मतलब जो ईमानदारी चलता है उससे लोग दूर दूर भागते हैं, वो सोचते हैं ना कोई डांटता है, ये करते हैं वो करते हैं। समझ में आया? चलिए, अब बात उठता है यहां पर, जैसे आप कुछ खाना खाते हैं तब मिलता है कुछ विटामिन, लेकिन कुछ विटामिन का निर्माण, निर्माण मतलब संश्लेषण किन्ने होता है? शरीर के अंदर। तो शरीर के बाहर अगर हम बात करें तो ए, बी, यानी शरीर के बाहर से आप खाते हैं, या ई, या और क्या बचा? सी। ये खाते हैं तब आपको मिलता है, लेकिन कुछ शरीर के अंदर बनते हैं तो वो है डीके सर। अब डीके सर कुछ भी आप कह सकते हैं, धीरज सर है, या आप दिनेश सर या दिनेश कुमार। तो डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे कि डी मिलता है कहां से, तो आप सबको पता है धूप से मिलता है, इसीलिए आप देखते होंगे ऋतिक फिल्म में जादू वाला में जादू कर रहा था बार बार धूप धूप, उसको धूप चाहिए था खाली, क्या था क्रिस था ना जी, कोई मिल गया धूप धूप। तो आप समझ सकते हैं कि जदुआ को क्या चाहिए था? विटामिन डी जी। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, आप बच्चों को धूप दिखाया जाता है, आप भी धूप देखते हैं रहते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है। किसी किसी को ज्यादा रख दिया जाता है तो पता चला गोरा से वो हो गया है। इसको रखा है, देखो मजबूत है, हाँ धूप में रहते हैं, घामा में ही रहता है। और एक और है विटामिन के,
के जो होता है ना वो जीवाणुओं से मिलता है, विटामिन के जो होता है वो जीवाणु से मिलता है, और शरीर का एक पार्ट है कोलन, उसी में इसका निर्माण होता है। सबसे पहले इनके रासायनिक नाम, रासायनिक नाम किनके, विटामिनों के रासायनिक नाम। तो बहुत फेमस ट्रिक है ये, मेरा ट्रिक नहीं है। रथ एक टॉफी, आसान है इसीलिए इसको लिखा जाता है। अब ऊपर में क्या लिखिएगा, ऊपर में टुई ए, टुई बी, सी डी ई और के कर लीजिए। अब नीचे में ऐसे र से हो जाएगा रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल। भाई धूप से मिलता है तो कैल्शियम भी इसमें रहता है ना, यहां पे कैल्सी, हाँ फिरॉल, कैल्सी फिरॉल। अब यहां पर रोल रोल स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि टी से क्या हो जाएगा टोकोफेरॉल, ऐसे ही है हो गया, और एफ से हो जाएगा फिलो क्विनोना, अब यहां पे ना, अब आजकल एग्जाम में ना विटामिन ए बी का रेटिनॉल नहीं पूछ रहा है, अगर एसएससी जीडी एग्जाम में तो भले पूछ दे, थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जाम में आपको ज्यादा पूछेगा। तो यहां पे अगर हम अगला बात करें, इसे ऐसे टू कर लीजिए टू, हाँ जी, अब लिखते हैं बी समूह, बी समूह, बी समूह के रासायनिक नाम। बी समूह के रासायनिक नाम, चलिए तो यहां पर थार आजकल बड़ी फेमस चल रहा है, है? हाँ थार बहुत फेमस चल रहा है ना, तो थार नहीं पापा, वैनिटी वैन चाहिए, लेकिन वैनिटी वैन नहीं बस है, मतलब पापा बोले बेटा ये थार है क्या, तो बेटा बोला थार नहीं पापा बस है, ठीक, थार नहीं पापा बस है। अब यहां पे देखिए बी वन बी टू और बी थ्री, वन टू थ्री लेकर बी फाइव और बी सिक्स और एक और आ जाता है आपका बी सेवन और बी ट्वेल्व, तो जैसा कि आपको पता है कि बी वन का तो हमने यहां पे लिखा हुआ है थार, थार से क्या हो जाएगा थायमिन, देख लीजिए बी वन थायमिन, र से हो जाएगा राइबो फ्लोविन, फ्लोविन, न से हो जाएगा यानी नहीं नियासीन,
9 से हो जाएगा नियासीन। ये सही बोला था वो। पेंटो लिख लीजिए, पेंटो थैनिक एसिड। और ये वाला हो जाएगा टॉक्सिन। ठीक है, और बी से हो जाएगा एक आपका होता है बायोटीन। हाँ, हो गया बायोटीन। और स से लिख लीजिएगा साइनो साइनो कोबेलिना। नहीं नहीं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग जी, तो पहला लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे क्या, ट्रिक लिख देते हैं। रवि सरनर है, है? नर है, वही बता तो रहे हैं। ये सब बड़ी मेहनत से बनाए थे, चोरी हो जाता है ये ट्यूबर से। रतौंधी, ठीक है रतौंधी। बी से हो जाएगा बेरी बेरी। स से स्कर्बिक। र से रिकेट्स। इसी को हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं, इसको भी सूखा रोग बोला जाता है। नर है ना, नर है लिखे। रक्त का थक्का ना बनना।